दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो प्रयास है वो प्रयास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस ही हैं जो आपने पिछली वीडियो क्लास में देखे। आज ये जो फंक्शंस हमारे हैं ये पार्ट टू के अंदर कुछ हमने फंक्शंस कलेक्ट किए हैं और वो फंक्शन जो हमारे लिए काफी यूजफुल है। मैं उन फंक्शन का सबसे पहले नाम आपके सामने रख देता हूँ और वो है आपके लिए सबसे पहला समिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट काफी यूजफुल फंक्शन दोस्तों। इसके बाद सेकंड फंक्शन हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं वो है एलसीएम। अगर आपको किसी नंबर का निकालना है, कुछ नंबर्स आपके पास है एलसीएम निकालने हैं तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे। और ये थर्ड फंक्शन आ गया है वो आपका जीसीडी, इसको हम यूज करना सीखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन लॉग फंक्शन आएगा और इसी का फैमिलियर फंक्शन लॉग 10 भी आप सीखेंगे आज। और पाई का इस्तेमाल, जी हाँ पाई काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसका यूज सीखेंगे। एक रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन होता है रैंड फंक्शन, RAND, इसका इस्तेमाल सीखेंगे। और इसी का फैमिलियर फंक्शन है एक रैंड बिटवीन, पर्टिकुलर नंबर्स के बिटवीन रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रैंडम नंबर को किस तरह से हम लोग रिटर्न कराते हैं उसको सीखेंगे। और एक और फंक्शन आएगा रोमन, और ये रोमन हम लोग फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किसी जो हमारी अरबिक जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो उनको हम लोग रोमन अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज के हमारे फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को स्टडी करना है, नॉर्मली इन फंक्शंस को हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है और प्रयास करना है सभी का प्रैक्टिकल करना, और प्रैक्टिकल करने के बाद आप अगर कहीं पे, मैं बार बार वही बोलता हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपने प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो का क्लास को जरूर वॉच करिएगा, आपको पिछली वीडियो क्लास में कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके लिए आगे चल के हेल्प होने, आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे आपके एक्सेल में वर्क कराने के लिए। तो नेचुरली है पिछली वीडियो क्लास को जरूर वॉच करें। और ये वीडियो जो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये एक्सेल की वीडियो नंबर 10 है। एक्सेल के फंक्शन हम लोग आगे भी लेके आएंगे, कुछ पार्ट्स हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो क्लास है वहां पर भी हम लोग इनकी कैटेगरी बनाएंगे जो कि आपके लिए काफी यूजफुल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सेल की, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सेल की जान है, नींव है ये फंक्शंस जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पिछली क्लास में देखे, यहाँ देखें हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं और आगे पहुंचते हैं आपका समय, हम लोग अपने फंक्शंस के लिए लेके स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन सम इफ। देखो जो पिछली वीडियो क्लास में देखा सम फंक्शन था, यहाँ इफ भी ऐड हो गया है, सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। डेफिनेशन जल्दी देखते हैं, ये आ गया आपके सामने डेफिनेशन। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग किन्हीं नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, टू ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। हम कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे, कुछ हम लोग रेंज स्पेसिफाई करेंगे, वहीं से किसी नंबर को कैलकुलेट करेंगे। जरा सिंटेक्स देखिएगा, वहां पर थोड़ा क्लियर होगा। ये समिफ का सिंटेक्स आ गया है। समिफ में देखो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले गिव रेंज, रेंज स्पेसिफाई करनी है और इस रेंज में से आपको किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है और उस फाइंड आउट की वैल्यू में से आपको एक रेंज स्पेसिफाई करनी है जिसका टोटल करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए लिखा, आप समझिएगा। इक्वल टू समिफ, कोई भी स्पेस नहीं है, स्पेस स्पेसिफाई नहीं करना आपको कहीं पे भी। समिफ एक ही फंक्शन नेम है और ये रेंज दी गई है, फर्स्ट रेंज, इस रेंज में से फाइंड करना है ये जो एलिमेंट दिया, ये क्राइटेरिया हमारा, ये क्राइटेरिया फाइंड आउट होगा। और फाइंड आउट होने के बाद जहां तक जो हमने क्राइटेरिया दिया ये फाइंड होगा, और फाउंड होने के बाद पर्टिकुलर जिन वैल्यू में से कैलकुलेशन करना है वो उसके बाद देना सम रेंज के अंदर। मैं इसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, आप फटाफट देखिएगा, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी बना के रखा है दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके चलता हूँ एक्सेल की विंडो के ऊपर और ये आगे हम एक्सेल, एक्सेल पर समय बचाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बना के रखा आपके लिए, एग्जांपल देख लीजिएगा। ये कुछ एम्प्लॉय के नेम है, कुछ एड्रेसेस हैं, सैलरी है, तो तीन कॉलम है हमारे पास, तो इन तीन कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपके लिए बना देता हूँ, पहले आप ये डिसाइड करेंगे हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करना है। देखो एड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है समय से वो कुछ इस तरह से है। हम ये चाहेंगे
कि जो एड्रेसेस वैल्यू हैं उन एड्रेस में से हमारे पर्टिकुलर किसी भी सिटी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए और उसी सिटी की जो वैल्यू है सैलरी वैल्यू पर्टिकुलर वरुण है या जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वह मुजफ्फरनगर सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी का मुझे कैलकुलेशन करके देखना है कितनी सैलरी यहाँ पर हमें देनी है बेसिकली मुजफ्फरनगर सिटी वालों को, तो वो कैलकुलेशन क्या करना है, तो सिटी वाइज हम लोग कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। मैं आपको देखो करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक हेडिंग बना देते हैं आपके लिए, टोटल सिटी वाइज सैलरी, इस तरह से हमने हेडिंग बना लिया। वो अपनी मर्जी से जैसा आप चाहें वो बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और ये लिखा मैंने सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे रेंज स्पेसिफाई करनी है जहां से मुझे अपना क्राइटेरिया ढूंढना है, तो ये मैंने सिलेक्शन किया एड्रेस वाला कॉलम, ये सिलेक्ट कर दिया। टाइटल नहीं करना, टाइटल छोड़ देना, टाइटल के बाद जितनी वैल्यूज है उसको सिलेक्ट कर लेना, वो रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगी। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, इस रेंज में से किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सैलरी में से कैलकुलेशन करना वो आपको डालना है। सपोज मैंने सिलेक्शन किया मुजफ्फरनगर का, तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर डाल देता हूँ। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर मैंने डाल दिया, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब आपको सेकेंड रेंज देनी है, वो जिसको हम सम रेंज के नाम से जानते हैं, जिन वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से वो वैल्यू जैसे मुजफ्फरनगर है, इस मुजफ्फरनगर के बिल्कुल ठीक सामने की जो सैलरी वैल्यू होगी या अगला जो भी कुछ ऐसी डिजिट होगी उसके सामने वाली जो वैल्यू, सिर्फ उन्हीं को कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला बनाया, एग्जाम्पल बनाया आपके लिए, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सिर्फ मुजफ्फरनगर सिटी की डिजिट्स ही, सैलरी की डिजिट्स ही कैलकुलेट की जाएगी। इस तरह से आप सिटी वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने सिटी का नाम लिखा है, आप इसको डायनामिक भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, या थोड़ा सा आगे यहाँ मैं आपको डायनामिक करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ मैंने सिटी नेम दिया है, और सिटी नेम हमने देखो वहाँ फीड दिया है, वो सिटी नेम आप यहाँ फीड कर सकते हो। और यहाँ मैं ये मैंने इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइपिंग से थोड़ा बच जाएंगे, मैंने पेस्ट किया। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इस सेल के अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने लिखा वही इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैं जो रेंज देनी है वो रेंज मुझे यहीं से देनी है, ये रेंज मैंने सेलेक्ट की। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैंने इस सेल का एड्रेस डाल दिया दोस्तों, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, फिलहाल तो ब्लैंक है लेकिन ब्लैंक के अंदर बाद में वैल्यू डालेंगे हम लोग। कॉमा लगाया, फिर यहाँ से मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है और ब्रैकेट ऑफ और एंटर, तो देखेगा दोस्तों यहाँ फिलहाल जीरो है क्योंकि यहाँ सिटी कोई वैल्यू डाली हमने। अब यहाँ मैं इसको डायनामिक बनाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको, और हमारे पास ये सब वैल्यूज, हमने सिटी की वैल्यू सपोज मैंने डाली यहाँ पे, इस बार मैं सहारनपुर डालता हूँ, ये मैंने सहारनपुर डाला। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो सहारनपुर का जो हमारा सैलरी कोड है वो आ गया। इसके बाद सपोज मैंने मुजफ्फरनगर डाल दिया, आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर की जो वैल्यू है वो भी हमें मिलेगी, और इसी तरह से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ से, आप देखेंगे मुजफ्फरनगर की वैल्यू पिकअप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं एक बार और ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक सिटी और ऐड करनी है, तो ये मैंने डाल दिया। एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली देखो सिटी वाइज ये हमारे जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ये है तरीका हमारा समिफ इस्तेमाल करने का। इस तरह दोस्तों आपको समिफ इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, और यहां से मैं आपके लिए आज लेके आता हूँ नेक्स्ट फंक्शन। और नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, ये आ गया एलसीएम निकालना है नंबर्स का। एलसीएम की डेफिनेशन आपके सामने आ जाती है, टू रिटर्न लिस्ट कॉमन मल्टीपल का जो हमें कैलकुलेशन करना है वो एलसीएम के थ्रू निकलेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एलसीएम के अंदर नंबर सप्लाई करने हैं, कॉमा लगा के, और इस तरह से आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर्स, रेंज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिया तो भी आपको एलसीएम निकाला जाएगा। और दूसरा सिंटेक्स भी आप देख लीजिएगा, आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो जो आप लोगों ने पिछली वीडियो क्लास के अंदर भी दिया है। और ये रेंज जैसे सपोज A1 से लेके A10 तक के मैंने को नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम निकालना, तो डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ हम लोग एक्सेल पहुंच जाते हैं। और यहाँ से मैं शीट भी चेंज कर लेता हूँ और यहाँ मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल करके दिखा देते हैं आपको इक्वल टू, और ये लिखा हमने एल सी एम स्मॉल कैपिटल फैक्ट, जैसे आपको लिखना चाहिए आप लिखें। सपोज मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे डिजिट्स आपको इस्तेमाल करने वो आपको चाहिए, ये एक्सेल की जिम्मेवारी वो आपसे कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से आपने डायरेक्टली वैल्यू एंटर की उसका एलसीएम निकाल देगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मैं देखो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने कोई नंबर फीड कर देते हैं लोग और मैं इनका सबका एलसीएम आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये डाला हमने और एक नंबर हम और ऐड कर देते हैं इक्वल टू, और एल सी एम आपको एंटर करना है और रेंज स्पेसिफाई करनी है और ये नंबर्स का जो एल सी एम है वो निकाल के वो प्रोवाइड कराएगा। तो एल सी एम भी कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग एल सी एम निकाल सकते हैं अपने एक्सेल का इस्तेमाल करके। प्रीडिफाइंड फंक्शन की पावर है जो आप लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट फंक्शन, नाम हमने बताया था आपको पहले भी, अब वो है आपका जी सी डी। जी सी डी फंक्शन क्या करता है, हालांकि आप लोग इस फंक्शन से शायद परिचित हों, लेकिन ये फंक्शन कम व्यवहार में है, लेकिन ये बड़े खास हम खास फंक्शन चल रहे हैं आपके लिए, टू रिटर्न ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, सेम सिंटेक्स अगर आप देख रहे हैं जैसे एलसीएम का सिंटेक्स है वैसे ही आपको जी सी डी लिखना है। एलसीएम में आपको एलसीएम निकालना है, यहाँ जी सी डी निकाला जाएगा, आपको नंबर सप्लाई करके देखने को उसको इसी तरह से, और अगर आप रेंज डालना चाहें तो आप रेंज डालकर भी अपने वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू जी सी डी। यूज कर लेता हूं मैं प्रैक्टिकली, देखो दो एग्जांपल आप देख रहे हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो वैल्यू सप्लाई करें और रेंज डालनी है तो आप अपनी सेल्स की रेंज डाल के भी जी सी डी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली कर देता हूँ, यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं इक्वल टू, लिखा हमने और लिखा जी सी डी ब्रैकेट स्टार्ट, आप जो भी वैल्यू आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू एन ने एंटर की और एंटर प्रेस किया, ये आ गया जी सी डी। अगर आपके पास कुछ रेंज वाली वैल्यूज हैं तो आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये मैंने कुछ नंबर डाल दिया यहाँ पे और इक्वल टू लगाया हमने, हमने लिखा यहाँ पे जी सी डी और ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज डाल दीजिएगा। रेंज डालने का तरीका पता है, ट्रैकिंग सिस्टम माउस से ट्रैक कर दीजिएगा और ब्रैकेट ऑफ और एंटर प्रेस किया, तो इस तरह से आप जी सी डी निकाल सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपनी रेंज की वो आप रेंज स्पेसिफाई करके जी सी डी जरूर निकालें, इसको टेस्ट करके देखें। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और नेक्स्ट फंक्शन आ गया लोड फंक्शन। लोड फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं किसी भी जो नंबर है उस नंबर को पर्टिकुलर एक बेस दिया जाता है, उसी बेस के अकॉर्डिंग आप लोड फंक्शन से उसका लॉगरिथम निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, दो पैरामीटर आपको देने हैं, एक नंबर देना है और एक बेस देना है। तो सिंटेक्स भी मैंने आपके लिए लिखा और एग्जांपल भी आपके सामने आ गया, ये आपको लिखना है इक्वल टू लॉग और एक नंबर देना है और उसका बेस क्या कैलकुलेट करना है जो लॉग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका लॉग निकल के आएगा उसी डिजिट का जो जैसे आपने सप्लाई किया 10.2 लिखा हमने, उसको को आप लोग लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फंक्शन से। तो मैं आपको प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ लॉग के लिए। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, आप लिखेंगे लॉग और जो भी डिजिट आपको यहाँ एंटर करनी है वो आप करेंगे। सपोज 10 ये हो गया नंबर, इसका बेस आपको इस्तेमाल करना है, सपोज मैंने बेस 2 लिखा, ब्रैकेट टॉप और एंटर, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। सेल की पर्टिकुलर वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सपोज मैं आपको यहाँ इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, हमारे पास ये कुछ डिजिट्स हैं मुझे इनका लॉग निकालना है। लॉग क्या निकालना है मुझे, सपोज मुझे सभी का जो लॉग निकालना है वो लॉग 3 निकालना है, तो मैं दोनों का इस्तेमाल कर लेता हूँ इक्वल टू लॉग। आप इस सेल का जैसे J1 है, J1 को मैंने क्लिक किया, ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया दोस्तों, ब्रैकेट आप क्लिक करके आप, मैं इसको डिलीट करके कर देता हूँ आपके लिए दोबारा, इक्वल टू लॉग ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने ये जे वाली सेल को क्लिक किया, कॉमा लगाया। अगर सभी का 3 कॉमन निकालना है तो आप या तो किस सेल को क्लिक कर सकते हैं जहाँ आपने एड्रेस लिखा है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए ब्रैकेट ऑफ। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट डिजिट का ये लॉग रिथम निकल के आया और ये मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, तो आप देखेंगे सभी डिजिट्स का ये 23 का आ गया, ये 34 का आ गया, इस तरह से 45 का आ गया, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों।
अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता के चलता हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा होता है कभी कभी कि हमें इन फंक्शन या राउंड फंक्शन वगैरह लगाना पड़ जाता है किसी फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ फिलहाल आप जो डिजिट देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट या 4 डिजिट्स में हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है, हम चाहते हैं भाई 2 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में हमें मिले, तो हम यहाँ राउंड फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। एक और एक्स्ट्रा चीज आपके लिए आ गई, इक्वल टू राउंड लगाया हमने, और राउंड के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लोग फंक्शन लगा लेते हैं। यहाँ हमने लिखा लोग ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ हमने जो भी हमारे डिजिट्स है, ये था हमारा J1 डिजिट, ये हमने J1 डिजिट लगाई, इसका रेफरेंस दिया और कॉमा लगा लेते हैं। किस डिजिट से हमने निकाला था, हमने 3 से निकाला, 3 सप्लाई किया, ये तो आ गया लोग का वर्क। इसके बाद क्योंकि ये राउंड के लिए आपकी पहली डिजिट हुई और ये अपने राउंड कितने डिजिट का निकालना है, 2 डिजिट तक निकालना है, तो 2 स्पेस निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या कहते हैं कि नेस्टेड फंक्शन हो गया, जो राउंड के लिए ये लोग पहले जो हमारी सिंटेक्स के अंदर पैरा पैरामीटर वो सप्लाई होगा, फिर कॉमा के बाद 2 लगाया हमने, तो राउंड जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा वो राउंड के पास जाएगी और राउंड फंक्शन 2 डिजिट्स तक उसको यूज करके दिखाएगा, यानी कि 2 डिजिट तक ही शो करेगा। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखो यहाँ पे 2.26 आ गया, यहाँ पे जबकि दिखाई दे रहा था 2.6186, तो यहाँ से क्लिक करके आप ब्रेक करके देखेंगे तो सभी की सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे राउंड फंक्शन के साथ। आप इंट वगैरह लगाना चाहें तो ये आप लगा सकते हैं, आपकी ये खुद की जरूरत है आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं दूसरे फंक्शन पे आपको लेके चलता हूँ। दूसरा जो हमारा फंक्शन है नेक्स्ट फंक्शन, लोग के बाद जो हमारा फंक्शन आएगा उसको देख लेते हैं दोस्तों। आओ जाओ ये आ गया लोग 10, ये काफी जो है लेट आया हमारा फंक्शन। देखो ये लोग 10 है, बेसिकली लोग 10 किसी भी नंबर का क्या निकालना हो तो ये लोग फंक्शन इस्तेमाल करना है, जैसे लोग 10 उसी फैमिली का फंक्शन है, सिंटेक्स आ गया लोग 10 लिखना है, एक नंबर सप्लाई करना है, तो उसी बेसिकली क्या होगा कि लोग 10 का जो बेस हम लोग वहां सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर सप्लाई करना है, बेसिकली बेस यहाँ पे डिसाइड है पहले से, तो यहाँ पे आपको लोग 10 लिखना है, एक नंबर सप्लाई कर देना है, तो आपको लोग 10 की वैल्यू जो बेस के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू द बेस जो आपने एल्गोरिथम नंबर देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पे हम लोग आए थे, सपोज मैं इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ आप सबके लिए, सिलेक्शन डिलीट, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर देता हूँ इक्वल टू, ये लिखा मैंने लॉग 10 ब्रैकेट स्टार्ट, आपको सपोज यहाँ पे 5 वैल्यू सप्लाई किया आपने, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिजिट कैलकुलेट करके देगा। अगर आपकी सीट के ऊपर कुछ वैल्यूज हैं वो आपको देनी है अपने लोग 10 के लिए, वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। आपके क्या करना है इक्वल टू लॉग 10 लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट, जिस सेल का कैलकुलेट करना है सेल पे आप क्लिक करें, रेंज निकालने के लिए आप सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे रेंज नहीं चलेगी, तो आपने एक जो पर्टिकुलर सेल है उसका एड्रेस अप्लाई कर दिया और एंटर प्रेस किया। इसके बाद आप ड्रैग करके आप सभी वैल्यूज का जो लोग 10 है वो निकाल सकते हैं, जैसे बाकी के साथ हम इस्तेमाल करें वैसे हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप राउंड फिगर निकालने के लिए राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो इक्वल टू आर वीएमडी राउंड फंक्शन लगाना है आपको दोस्तों, इसी के अंदर आपने लगाया लोग 10, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको जरूर समझना आपको, और ये आपने अपने डेट सप्लाई की C1 और कॉमा लगा के सबको 2 डिजिट तक निकालना है, नॉर्मली 2 डिजिट या 3 डिजिट तक निकालते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट की और ये मैंने ट्रैक किया, कैलकुलेट हो गए सभी डिजिट हमारे सामने। तो इस तरह से आप लोग लॉग 10 का इस्तेमाल करें, और ये नेस्टेड फंक्शन जो मैं राउंड बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली चीज़ है आपके लिए, आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट फंक्शन क्या लाया हूँ वो हम आपको पहले शो कर देते हैं, और ये आ गया हमारा फंक्शन पाई फंक्शन है, रिवाय बड़ा ही बेहतरीन फंक्शन आपके लिए पाई फंक्शन, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द पाई, ये पाई की वैल्यू रिटर्न करेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें आपको कोई वैल्यू अगर सप्लाई करनी होती है आपको सिर्फ डायरेक्टली पाई फंक्शन लगाइएगा, आप जिस भी फंक्शन के अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और ये आपको जो भी पाई की जो डिजिट देगा ये बेसिकली 15 डिजिट्स में शो करता है।
तो सिंटैक्स देख रहे हैं आप, इक्वल टू पाई लिखना है, ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, आपको पैरामीटर कुछ देना नहीं होता, यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगी और वैल्यू फिक्स होती है, पाई की चेंजेबल होती नहीं है। तो एग्जाम्पल में आपको एडिटिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको जरूर इस्तेमाल करके देखना है, आपके लिए खासम खास चीज़ है जो नॉर्मली हमें सीखने को नहीं मिलती है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ एक्सेल पे पाई का वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू लगाएं और सिर्फ कुछ नहीं करना, पाई लिखें और ब्रैकेट सिंबल लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपकी पाई की डिजिट आपके सामने आएगी, जो पाई की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इस वैल्यू को आप किसी भी अदर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको इस्तेमाल करना है वो आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली राउंड फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करके दिखाया वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन भी हम देख लेते हैं। पाई के बाद जो हमारा फंक्शन आ गया वो है रेंड फंक्शन, रेंड ये रैंडम वैल्यू को रिटर्न करता है। डेफिनेशन आपके सामने आ गई, टू रिटर्न रैंडम नंबर ग्रेटर देन टू जीरो और लेस देन वन, यानी कि ऐसी वैल्यू को रिटर्न करके देगा जो जीरो से ग्रेटर होगी और लेस देन वन होगी। और खास बात क्या है, जितनी बार भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे अपनी शीट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। देखो डेफिनेशन में मैं लिख दिया आपके लिए कि चेंज ऑन रीकैलकुलेशन, ये स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी होती है। सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू रेंड लगा के एंटर कर देना, जैसे पाई वाले केस में था बिल्कुल वैसे ही है, और एग्जाम्पल में कोई खास बात नहीं है, इसी तरह से आपने सिंटेक्स एग्जाम्पल एक जैसा ही है। यूज मैं आपको करके दिखाता हूँ और मैं यूज कर लेता हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ शीट का डेटा, पहले फंक्शन का जो था मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इक्वल टू आर ए एन टी रेंड फंक्शन में लगाया दोस्तों और ये मैंने लिखा, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये देखिएगा जीरो से बड़ी डिजिट है लेकिन वन से छोटी है। अगर मैंने इसको क्लिक करके और ड्रैग किया इस तरह से और ये इतने एरिया मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए थी, तो रैंडम वैल्यू देखो इस तरह से रिटर्न होकर हमारे पास आ जाएगी। जितनी बार भी आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी शीट के ऊपर उतनी बार ये चेंज होती चली जाएगी, ये रैंडम फंक्शन की खास बात होती है। देखो ये मैंने कोई यहाँ डिजिट लिखी, जितनी बार भी आप कोई डिजिट लिखेंगे, चाहे आप कोई नंबर लिख रहे हैं या कोई अपना कोई किसी तरह के अल्फाबेट वगैरह लिखे हैं, चाहे जैसी आप वैल्यू लिखेंगे ऑटोमेटिकली, या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जितनी बार भी एग्जीक्यूशन होगा थ्रू एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका वैल्यूज को चेंज करता रहता है। ये रैंडम फंक्शन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है, प्रैक्टिकली अगर आपको करके देखना है जहाँ पे हमें रैंडम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इसी फैमिली का एक और फंक्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और वो है फंक्शन रैंड बिटवीन, इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। रैंड बिटवीन में क्या होता है, वहां पर रैंड अराउंड फंक्शन में ये था कि वो जीरो से लेके वन तक की जो हमने रेंज स्पेसिफाई की, जीरो से लेके वन तक की जो रेंज ऑलरेडी स्पेसिफाइड थी रैंड के फंक्शन के अंदर, जिसकी प्रीडिफाइन थी, हम लोग कुछ नहीं स्पेसिफाई कर सकते थे, लेकिन रैंड बिटवीन के अंदर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहां से लेके कहां तक के डिजिट्स के बीच में हमें रैंडम नंबर चाहिए। तो ये है इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स आप लोग जरा नोटिस करें, इसमें बेसिकली क्या लिखना है, रैंड बिटवीन ही लिखना है और एक बॉटम नंबर देना है, एक टॉप नंबर देना। बॉटम यानी कहां से लेके कहां तक आपको अपने नंबर के बीच की जो बिटवीन जो वैल्यूज है, रैंडम वैल्यूज है, वो रिटर्न करती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया 5 to 10, तो 5 से लेके 10 तक की जो रैंडम नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। कैसे करेगा जरा आप देखिए, और यहाँ पे मैं सपोज लगा लेता हूँ फंक्शन, ये मैं रफी कर देता हूँ वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहेगा, ये शीट का जो डेटा है वो सब मैं रफ कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन किया और डिलीट किया, तो मैंने इक्वल टू रैंड बिटवीन और कहां से कहां तक चाहिए, मैंने एग्जांपल में लिखा था 5 से लेके 10 तक के डिजिट्स में चाहिए, तो ये मैंने एंटर जैसे प्रेस करूंगा दोस्तों, देखो 6 यहां इसने एक रैंडम नंबर दिया, तो मैंने इसको अगर ड्रैग किया और यहां से लेके यहां तक का ड्रैगिंग किया, तो आप देखिएगा 6 से लेके 10 तक की जो रैंडम डिजिट्स हैं वो ये देगा, और ये भी ऑटोमेटिकली चेंजेबल होता है, जितनी बार भी आपने कैलकुलेशन आप करेंगे ये भी हमारी शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली वैल्यू को चेंज करता रहेगा। जैसे मैं आपको देखो करके दिखा रहा हूँ, कोई डिजिट आप एंटर करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, एंटर ही एग्जीक्यूशन का एक तरीका होता है, ये भी रिचेंजेबल होता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक फंक्शन के और लेके चलता हूँ और वो है रोमन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन दोस्तों। देखो हमारी जितनी भी अरबिक नंबर्स हैं उन नंबर्स को अगर रोमन डिजिट्स में आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, आपको वैल्यू बनानी है रोमन की, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, आपको एक नंबर सप्लाई करना होता है, फॉर्म तो देना इतना कंपलसरी नहीं है, आप नंबर दीजिएगा ऑटोमेटिकली
इसको जो रोमन नंबर बना के दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, 10 दे दिया। फॉर्म आप क्या इस्तेमाल करना कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसके बारे में फिर कभी डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये मैं रफ कर देता हूँ और हाँ जी ये डिलीट किया मैंने आपके लिए। रोमन अंक हमें इस्तेमाल करना है तो आप इक्वल टू लिखना है और ये मैंने लिखा रोमन। आपको जो भी डिजिट चाहिए, सपोज मुझे 23 रोमन डिजिट चाहिए तो मैंने कोमा लगाया, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो 20 की डिजिट है। एक बार फिर से देखो दोस्तों, मैं आपको इक्वल टू रोमन और ब्रैकेट स्टार्ट, इस बार मैंने आपको 30 का लगा के दिखाते, कोमा लगा के ब्रैकेट ऑफ कर देना। फॉर्म वगैरह कुछ आपको देना, स्पेसिफाई नहीं करना, आपको नंबर देना है, तो इस तरह से ये रोमन में निकालेंगे। अगर मान लिया मेरे पास कुछ डिजिट है, सपोज मैं आपको एंटर कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, आप ड्रैग भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हम खुद ही भूल गए हैं ड्रैगिंग करना। ये हमने 10, 20 डाला, दोनों सेलेक्ट किया, जहाँ तक भी आपको डिजिट चाहिए आप बना सकते हैं। मैंने 100 तक स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया रोमन और मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, हाँ जी सेल रेफरेंस, कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन करके एंटर प्रेस कर, तो 10 को कैलकुलेट किया गया। इस तरह आप क्लिक करके अब आप ट्रैक कर दीजिएगा सभी को। जी हाँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सभी को कैलकुलेट करके आपके सामने रोमन अंक मिले। तो इस तरह से आप रोमन डिजिट को बना सकते हैं दोस्तों। अब वापस आते हैं हम लोग, और दोस्तों यहाँ पे हमारे ये फंक्शंस आज के फिनिश हो जाते हैं, और आपका थैंक यू, धन्यवाद, जितना भी मैं करूँ उतना कम है, बसरते बस हमारी मेहनत, हमारा जो प्रयास है वो आप तक जरूर पहुँचना चाहिए। अगर ये रेगुलरली पहुँच रहा है, आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, हमें रेस्पॉन्स ज़रूर दें, यही रेस्पॉन्स हमारे लिए एनर्जी बनेगी, और यही एनर्जी वापस आपके लिए कोई नई क्लास, नई वीडियो, नए थॉट्स बन के आपके सामने आएंगे दोस्तों। थैंक यू एंड धन्यवाद।